पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं जब तक पैसे दोगे आगे नहीं मांगेंगे। अब बारिश शुरू हो गई, आपको शायद दिख रहा नहीं दिख रहा है कैमरे में, यहाँ दिखेगा शायद, यहाँ से भी एक आ रहे हैं, सब लोग यहाँ विसर्जन में जाते हैं, बहुत भीड़ होगी, दिखाते हैं अभी आपको, बस जा ही रहे हम लोग भी। दिक्कत ये है बारिश भी आ गई गाइस, और 11 बज रहे हैं, मेट्रो भी बंद हो जाएगी और लोकल भी बंद हो गई, तो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा इस वजह से, लगभग 300-400 रुपये का फटका पड़ने वाला है गाइस, तो देखते हैं क्या होता है। गिनतियाँ शुरू हो गई गाइस, गिनती 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 अपने अपने बनाते जा रहे हैं लोग, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, पप्पा वो आगे पहुँच गए, अब हम हल्के हो गए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जाए हैं, आज पांचवा दिन है, तो बहुत लोग अपने गणपति जी को विसर्जन के लाए, पांचवा है आज, सातवा दिन है, सॉरी सातवा दिन है, तो देखिए सब लोग विसर्जन के लाए, यहाँ से विसर्जन करेंगे आप, अब हम लोग अपना गणपति निकालते हैं। सॉरी, विसर्जन से पहले एक बार पूजा करते हैं गणपति बापा की, सब अपने उन लोग ने कर ली गाइस। गणपति बापा को विसर्जित करने से पहले कान में ना विश मांगते हैं, सब लोग विश मांग रहे थे अपनी, इनके कान में बोल दीजिए वो सही हो जाता है, गणपति बापा के कान में बोलना पड़ता है एक विश, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, आप भी अपनी विश मांग सकते हैं, मैं आप सबके लिए विश मांगूंगा अपनी तरफ से कि आप सबको खुशियाँ मिले, खुशियाँ मिले, सबको सक्सेस मिले, गणपति पापा बोल रहे। अब जाएंगे हमारे गणपति पापा, यहाँ बारी बारी सबको गणपति पापा देना है, और यहाँ से विसर्जन करेंगे, सब बारी बारी के करके सब गणपति ले जा रहे हैं विसर्जन करने, यहाँ बहुत भीड़ है, कल कुछ डूबेगा किसी कुछ होगा, खड़ी है सबके लाइन में, गणपति है एक एक करके यहाँ पास करेंगे और ये विसर्जन करेंगे, सब लाने में लगे हुए, नॉन स्टॉप गणपति बापा आ रहे हैं, नॉन स्टॉप आ रहे हैं, कहीं से किसी का बच्चा खो गया और मेरे पास आ गया, जिसका भी बच्चा कांटेक्ट करो, किसका बच्चा खोया हो, किसी का बच्चा खोया और यहाँ पर आ गया,
गाइस जिसका बच्चा ले जाओ यार, खो गया है। कमेंट्स में लिख दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए किसका बच्चा है। उठाया गणपति बापा मोरिया, ये हुए विसर्जन गणपति बापा, गणपति बापा मोरिया 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 गणपति बापा मोरिया। विसर्जन हो गया, अब हम जाएंगे बस बेड को बेड में बहुत अगर जाके तो छू जाना। ये सब लोग उदास हैं क्योंकि पप्पा विसर्जित हुए हैं, इन सबके तो सब उदास है। इतने 7 दिन तक इन्होंने पप्पा की सेवा करी थी विसर्जन करने में, सब उदास हैं। देखिए ड्रेस कोड के साथ है, आज का सेशन देखिए कितना अच्छा होना था यहाँ पे। अब बहुत थक चुके हैं, नींद आ रही है, तो कुछ पीने का भी मन है तो कुछ पीते हैं, देखते हैं कुछ पीते ना, क्या पी रहे हैं, कुछ है नहीं, कुर्सी कुर्सी पीने का कुछ है नहीं गाइस। आई लव मीरा, हाँ मीरा रोड में देखिए, आई लव मीरा रोड मेरे को भी अच्छा लगा, स्टेशन बढ़िया बना रखा है इन्होंने। मीरा हरी हरी मुझे चोरी करें, ये स्टेशन अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ है, इसको पता है। मेरे को तो नींद आ रही है, बहुत थक चुका हूँ भाई, नींद आ रही है। वो है कुछ पीने का शायद, चॉकलेट बंटा मिल गया हमें, हम बंटा पियेंगे। कितने का है? 20 का एक बंटा मिल गया हमें भाई, अब देखो 28। बढ़िया बहुत, भैया ने सुन लिया अच्छा, नहीं बात कौन मिला देखो सिंगर। मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया, सिंगर हो तो ऐसे देखो क्या गाते हो। घर चले जाना मेरा, कॉम्पिटिशन हो गया, मांग लेना ऐसे न शर्माना, हाँ शादी के लिए तो मैंने रमाना, हाँ इन्हीं अदाओं पर ही हाय दिल मेरा। कॉम्पिटिशन हो गया, डुएट चल रहा है यहाँ पे, कौन जीतेगा बताओ, ये जीतेगी या ये जीतेगा, ये तो चलो मेरा हो गया। अब गाओ गाइस, देखो इनके पास घर नहीं है, अभी खाने को नहीं, तब भी ये लोग खुश हैं यार, पैसा मार दे तो कोई बात नहीं, दे देते यार, खुश हैं वो बेचारे यार, और हमारे पास सब कुछ होके भी हम खुश नहीं हैं, सीखो उनसे कुछ यार, क्या सही है। अब तो मैं भी एकदम खुश हूँ, पैसा ऐसा चाहिए तो है, तब भी खुश हूँ मैं यार, सब्सक्राइबर बढ़ा दो बता देना। जाएंगे चाहिए चर्च की थोड़ी ट्रेन में, ये मलाड रुकेगी, देखिए चर्च के हम जाएंगे यहाँ से मलाड जाएंगे, मलाड से फिर हमारा घर है, मलाड में ट्रेन रुकेगी। अगर अभी हम ऑटो से जाते तो हमारे 350-350 रुपये लग जाते हैं, यहाँ पर अभी हमने टिकट भी नहीं ली क्योंकि 11:30 बज रहा है, तो टिकट चेक नहीं होती, वैसे होती भी तो हम लेते हैं टिकट साथ में, और वहाँ से घर हमारे पास ही 1:30 बजे पहुँच जाएंगे बस, 9 बजे के बाद नहीं होता ब्रो, मैंने अभी मेरी बातें मुझे बता रहे हैं, आने वाली है हमारी गाड़ी 11:56 में। तो गाइज़ मैं एक स्टोरी बताना भूल गया, मोदक वाली, वो ऑटो में बता रहा था पर तो आवाज़ बहुत वैसी आ गई, तो सुनिए हुआ क्या था। जब शिव जी तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने गणपति बाबा से कहा कि आप किसी को अंदर बता लो, तो वहाँ पहुँच जाते हैं परशुराम, वो कहते हैं कि वो शिव जी से मिलना है, गणपति पापा नहीं मिलने देते, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो परशुराम वार करते हैं और गणपति पापा का दांत टूट जाता है, तो जब दांत टूटता है तो वो कुछ खा नहीं पाते हैं अच्छे से, तो मोदक के रूप में खाना बना के दिया जाता है ताकि सॉफ्ट है खा लेंगे, फिर तब से
गणपति बापा को मोदक ही चढ़ा जाता है, उनको मोदक सबसे ज़्यादा पसंद है। और हम हॉर्न की आवाज़ आ रही क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन में हूँ अभी। ये देखिए ट्रेन आ गई, फाइनली घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये आ रहे ट्रेन चल चुकी है, बिल्कुल जगह नहीं ट्रेन में, एकदम हालत के हुए गाने चल रहे एकदम ज्वाला से चलते सफल है। रात के 12 बजे की ट्रेन फुल है, दिन किनारे की कश्ती है, गाने सुनने के लिए सब लोग देखते हैं रिक्शा मिलता नहीं मिलता, एकदम रात हो गई है। भैया एवर शाइन रिक्शा रिक्शा बजे के बाद 29 से शुरू होता है रात का दुख। दिल्ली घर पहुँच गए भाई, थोड़ा सा जस्ट घर पहुँचाऊँगा ये सभी हालत ही नहीं है। अभी उठ के कपड़े चेंज करके सोना है, बट मन ही नहीं कर रहा यार। कितना बज गया देखो, 12:30 बज गए। अरे जूम हो जा मेरे भाई, रूम पे काम नहीं कर रहे हैं अपना, और नहीं हो पाएगा अभी, सो जाओ मन कर रहा है। ओहो बहुत थक चुका हूँ गाइस, चलिए गुड नाइट, बाय बाय। होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल में बने रहिए, आपको ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। चलो गुड नाइट, जय माता दी, गणपति बप्पा मोरिया।